अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एग की बहुत ही डिलीशियस रेसिपी, शक्शुका रेसिपी, जो बहुत टेस्टी बनती है और आप इसे ब्रेकफास्ट में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये रेसिपी बनाने के लिए मैंने एक पैन गरम करने रखा है और उसमें ऐड किया है 2 बड़े चम्मच तेल। और तेल गरम होने के बाद हम उसमें ऐड कर देंगे 2 बड़ी प्याज बारीक कटी हुई, और प्याज को हम लाइट गोल्डन कलर होने तक भून लेंगे। प्याज को मैंने लाइट गोल्डन कलर होने तक भून लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 बड़ा टमाटर बारीक कटा हुआ और 8 से 10 कड़ी पत्ता। मिक्स कर लेंगे। साथ ही में हम इसमें ऐड कर देंगे 1/4 टीस्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट। मिक्स करेंगे और 1/2 से 1 मिनट के लिए हम इसे भून लेंगे। आधा से एक मिनट भूनने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे पाउडर मसाले। तो नमक लिया है मैंने स्वाद अनुसार, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। सभी चीज़ों को ऐड करेंगे। साथ में ऐड करेंगे हम थोड़ा सा पानी और मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसे भूनेंगे अच्छी तरह से, तेल रिलीज होने तक, ताकि टमाटर और प्याज भी सॉफ्ट हो जाए। तेल रिलीज होने तक हमें इसे भूनना है। साथ ही में हम इसमें ऐड कर देंगे कटा हुआ हरा धनिया और मिक्स कर लेंगे। देखिए प्याज और टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं और तेल भी अच्छे से रिलीज हो गया है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 ग्लास के करीब जितना पानी। मिक्स करेंगे और 1 मिनट तक हम इसे भूनेंगे। एक मिनट भूनने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे अंडे। तो अंडे को एक एक करके फोड़ कर हम इस तरह से ऐड करते जाएंगे। तो अंडों को मैंने ऐड कर दिया है। थोड़ा सा ऐड करेंगे हरा धनिया और अब हम इसे लो फ्लेम पर पकने देंगे 10 मिनट के लिए, ताकि अंडे और सभी चीज़ें अच्छी तरह से पक जाए। तो यहाँ पर अब हम लीड बंद करेंगे और 10 मिनट के लिए पकने देंगे। और ये देखिए 5 मिनट बाद हम इसे चेक कर रहे हैं। तो अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी है और अंडे अच्छी तरह से पक गए हैं, तो हमें इसे और पकाना है 5 मिनट तक, ताकि पूरा मसाला और अंडा पूरी तरह से पक जाए। देखिए हल्का हल्का पानी है, तो हमें इसे फिर से ढककर पकाना है 5 मिनट के लिए। और ये देखिए टोटल 10 मिनट तक मैंने पकाया है। मसाला और अंडा अच्छी तरह से पक गया है। तो अब हम इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। आप इसे सर्व कीजिए रोटी के साथ, पराठे के साथ, पाव के साथ, ब्रेड के साथ। ब्रेकफास्ट के लिए ये परफेक्ट रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।